हमारी वैम्पायर लाइफ शानदार है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं और कोई हमें नहीं रोक सकता। और हम हमेशा जिएंगे। अरे इस बुक के कैरेक्टर्स की तरह मैं भी काश वैम्पायर होती। आराम से। ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें यहाँ पर खड़ा नहीं होना चाहिए था। वाओ, नए स्कूल में इसी तरह का स्वागत तो चाहिए था मुझे। तुम क्या कर रहे हो? वो बैग पैक वापस करो। तुम्हें इससे क्या, ये बैग तुम्हारा नहीं है। तुम लोग फिर से खिड़की तोड़ दोगे। ये मुझे दो। यहाँ स्कूल है, पागल खाना है। Turn up for the night. Real thing, she's no average girl. Oh, it doesn't work. I try to work. Huh? Kya wo khoon hai? Nahi, sirf sauce hai. Hey, hi, tum nahi aayi ho, hai na? Casey, main Eva hoon. Are. Huh? Aha, yes. तुम्हें लकवा मार गया है क्या? चलो मैं तुम्हें क्लासरूम दिखाती हूँ। हाँ, चलो। हाँ? वो रहा, और उसकी बगल वाली सीट खाली है। वैसे तुम चाहो तो मेरे साथ बैठ सकती हो। हाँ, क्यों नहीं। हाय। हाय। ईयू, ये कैसी बदबू है। लहसुन की चटनी क्यों खाई? हे, तुम मेरे पास क्यों नहीं बैठी? क्योंकि मैं तुम्हें हमारा क्रिस पसंद है ना? हाँ। ऐसा सोचना भी मत, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। कईयों ने कोशिश की लेकिन क्रिस किसी को डेट नहीं करता। क्या हो अगर वो मुझे पसंद करने लगे तो? गुड मॉर्निंग, चलो अब कुछ काम की बात करते हैं। तो बोर्ड पर सवाल करने के लिए कौन आएगा? ओके, अब शांत हो जाओ। क्रिस, तुम आओ। हो गया। बढ़िया, गलत आंसर है ये। तुम्हें F मिलता है। और मुझे लगा आप मुझे इतना चाहती हो। हाँ, तुमने सही कहा। बढ़िया। वाओ, क्या उसने उसे हिप्नोटाइज किया? मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम हमारे स्कूल में हो। मैं तुम्हें सब बताऊंगी भी और घुमाऊंगी भी। शायद क्रिस भी वैम्पायर है। क्या कहा? कुछ नहीं। क्रिस, हाय, मैं कहना चाहती थी निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारा ब्लड जूस। थैंक्स। क्या हुआ, क्या तुम पागल हो गई हो? क्रिस का पीछा क्यों कर रही हो? सिर्फ बात करनी थी। मैंने बोला था उससे दूर रहो, तुम खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर लोगी। उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, सब उससे दूर क्यों रहते हैं? वो अजीब है और एरियल के अलावा वो किसी और से बात नहीं करता। पर वो मुझसे बात करेगा। उससे दूर रहना ही अच्छा है। ये मैं तय करूंगी। कहाँ जा रही हो? ये शानदार है कि तुम आज रात मेरे घर रुकोगी। हाँ, आज हम क्या करने वाले हैं? क्या हम वैम्पायर के बारे में पढ़े? नहीं। तुम रहस्यमय चीजें पढ़ती हो तो हम आज रात आत्माओं को बुलाएंगे। ओह, मजा आएगा। एक सेकेंड, ये लो। लेकिन हम किसे बुलाएंगे? कोई भी आत्मा, क्या फर्क पड़ता है। चलो शुरू करते हैं। आत्मा आओ, आत्मा आओ, आत्मा आओ। मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। ये क्या है? मुझे नहीं पता। ये डरावना है।
शायद हमें इसे बंद कर देना चाहिए। चलो सो जाते हैं। बिल्कुल। गुड नाइट केसी। गुड नाइट। केसी क्या हुआ? ओह, मुझे लगा मैंने किसी को देखा। अरे सो जाओ चुपचाप। सही कहा। अरे ये खुजली कैसी है? वैम्पायर ने मुझे काट लिया। तो क्या मैं भी वैम्पायर बन जाऊंगी? पर अभी मैं तैयार नहीं हूँ। या कैसे वैम्पायर? तुम्हें मच्छरों ने काटा है। हाँ बिल्कुल। और वो यहाँ कैसे आए? हमने रात में खिड़की बंद नहीं की थी जिससे मच्छर अंदर आ गए होंगे। फाइन। तुम बहुत फनी हो केसी। वैम्पायर। अब दे। इस चाबी को क्या हो गया? तुम ये ऐसे कर सकते हो। सिंपल। अरे वाह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, है ना? चली जाओ यहाँ से। ठीक है। एरियल, क्या तुम भूल गई कि अजनबियों के सामने पावर यूज नहीं करनी है? सबको बताना है क्या? अरे इसमें गलत क्या है? तुम हमारे पूरे परिवार का भांडा फोड़ दोगी। ओ अच्छा, तुम जरूर उस नई लड़की के प्यार में भांडा फोड़ दोगे। मैं उसके प्यार में नहीं हूँ। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? कल रात उसके कमरे में कौन घुसा था? मैं तो बस उसे डराना चाहता था। और तुम इतनी परेशान क्यों? इंसानों को डेट ना करना हमारा समझौता है। मुझे भरोसा नहीं कि तुम उसे नहीं तोड़ोगे। जो मर्जी सोचती रहो तुम। मैं वैसे भी तुम लोगों को साथ नहीं रहने दूंगी। तुम्हारा कोई मैच नहीं है। दोस्तों क्या आपको लगता है केसी और क्रिस कपल है? कमेंट में बताएं। ओहो चमक चलो, देखो तो यहाँ कौन है। कहाँ जा रही हो ब्यूटी? सुनो मुझे जाने दो, मुझे जाना है। और हमें पैसे चाहिए। मुझे इससे क्या मतलब, मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा तो अपनी पॉकेट दिखाओ। सच में मेरे पास कुछ नहीं है। अपने पैसे हमें दो जल्दी। इसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? क्रिस अब तू कौन है बे? हम तुझसे भी निपट लेंगे। ये क्या, ये क्या? चलो यहाँ से निकलते हैं। OMG, ये तुमने कैसे किया? ये बस बहुत ही सुस्त थे। ये तो कमाल है। तुम हमारा भांडा नहीं फोड़ सकते। हाँ इस ट्रिक से तुम बच नहीं सकते क्रिस। क्या दिन है क्रिस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारा समझौता हुआ था। चिल्ला क्यों रहा सब लोग? मैंने क्या किया है? तुमने दूसरे लोगों के सामने पावर यूज की। और तुमने दूसरे लोगों के सामने अपनी पावर यूज की। किसने कहा है तुमसे? ऐसा नहीं है। एरियल ने हमें सब बता दिया है। ये सब सिर्फ एक लड़की के लिए। वो सिर्फ एक लड़की नहीं है। तो तुम्हें प्यार हो गया है? तुम्हें पता है कि हम इंसानों के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकते। हद है, मम्मी भी तो एक इंसान थी और उसके बाद फिर आपने उन्हें वैम्पायर बनाया। वो बात अलग थी। तुम उस लड़की को डेट नहीं करोगे। मुझे मत बताओगे मुझे क्या करना है। तुम्हें देखना चाहिए था उसने कैसे पिटाई की। सब कुछ इतना जल्दी हुआ, देख भी नहीं पाई। शायद तुम डर गई थी इसलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। नहीं वो बहुत फास्ट है। समझ गई। क्रिस एक वैम्पायर है। तुम मजाक कर रही हो। क्रिस एक वैम्पायर? ईवा, मैं सीरियस हूँ। इंसानों के पास वो स्पीड नहीं है। केसी कौन से वैम्पायर, वो होते ही नहीं है। लेकिन वेयरवॉल्फ होते हैं। वेयरवॉल्फ्स? हाँ मैंने तो एक बार देखा भी। वैसे वो बहुत तेज होते हैं। सच में? अगर क्रिस एक वेयरवुल्फ है तो वो मुझे खा जाएगा।
मैं तो मजाक कर रही थी, शांत हो जाओ। तुमने कुछ ज्यादा ही वैम्पायर बुक पढ़ ली है। वैसे मैं भी मानती हूँ कि क्रिस एक वैम्पायर है, पर किसी को मत बताना। मुझे लगता है तुम सही हो। हे हेलो, तुम किससे बात कर रही हो, मुझसे या इससे? हाँ इससे। सुनो मेरी बात, क्रिस के पास मत जाना, नहीं तो तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो मेरा कोई भी हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें उसके पास देखा तो तुम गई, समझ गई? हाँ। गुड गर्ल। लहसुन। लहसुन? हे, अगर तुम्हें क्लास शेड्यूल चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, मैंने क्लिक कर लिया था। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी उन बदमाशों से बचाने के लिए। क्रिस, मुझे मत छुओ। क्रिस, क्या हुआ? मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो, लेकिन बात यह है कि मैंने तुम्हें बचाया, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ है? मुझे मत छुओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या ये एरियल की वजह से है? नहीं, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मुझसे बात मत करो, तुम एहसास भी नहीं कि मैं कौन हूँ। समझ नहीं आता उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो कौन है और मुझसे दूर क्यों रहना चाहता है? या फिर वो पागल है? मजाक नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही। बकवास मत करो ईवा, वो कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है और एरियल भी नहीं। चलो पता करते हैं क्रिस कौन है। ये क्या है? जिसकी हमें जरूरत है। देखो ये क्रिस है, इसके बारे में हमें क्या पता है? वो हैंडसम है। केसी थोड़ा सीरियस रहो। मैं सीरियस हूँ। ठीक है, वो बहुत फास्ट है। हाँ तेज। ओह, उसकी स्किन बहुत साफ है। ओ हाँ, वो काले कपड़े पहनता है। हाँ। वैसे वो एरियल के जैसा ही है। एरियल को लहसुन पसंद नहीं है, याद है जब हम कैफे में थे? ओ हाँ। लगता है हमें सब मिल गया। तो वो कौन है? वो एक वैम्पायर है। हुर्रे, मुझे पता था मेरा बॉयफ्रेंड एक वैम्पायर है। अरे हेलो, होश में आओ, कैसा बॉयफ्रेंड? वैम्पायर खतरनाक होते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, अगर वैम्पायर किसी इंसान से प्यार करता है तो उसे कभी चोट नहीं पहुंचाता। क्या तुमने ये अपनी बुक में पढ़ा, वैम्पायर खून पीते हैं? तो क्या, मैं उसे पसंद करती हूँ, उसके साथ रहूंगी। तुम पागल हो। ठीक है, लेकिन क्या तुम भूल गई कि एरियल ने क्रिस के बारे में क्या कहा था? अरे नहीं, वो सब बर्बाद कर देगी, क्रिस हमेशा उससे बात करता है, वो उसकी कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिस को एरियल जैसी लड़कियाँ पसंद है। तो क्या मुझे अपना स्टाइल चेंज करना होगा? बिल्कुल, चलो इस पर काम शुरू करते हैं। अरे क्या तुमने कल का अलजेब्रा होमवर्क कर लिया? नहीं। अरे नहीं, उम्मीद है तुमने नई लड़की से बात करनी बंद कर दी है। हाँ, भाड़ में जाओ। तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? वैसे जैसे तुम मुझसे कर रही हो। तुम हमारा लंच लाई हो? हाँ, तुम्हारे बैग में है। और कहाँ है लंच, कहीं खो गया क्या? परेशान मत हो, मैं अभी लाती हूँ। तेरी की एरियल। ये अभी क्या हुआ? वो एक चमगादड़ बन गई। इसकी हरकतों की वजह से मुझे लोगों की याददाश्त मिटानी पड़ेगी। तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? शांत हो जाओ, तुमने अभी जो देखा उसे भूल जाओ। तुम बस यहाँ बैठे थे और बस आपस में बातें कर रहे थे। कहो कि तुमने कुछ भी नहीं देखा। हमने कुछ नहीं देखा। बहुत बढ़िया। खैर क्लास चलते हैं। हाँ। हे क्रिस। हाँ? ये क्या पहना तुमने?
मैंने अपना स्टाइल चेंज करने का सोचा, कैसी लग रही हूँ? सच कहूँ तो पहले वाला मुझे ज्यादा पसंद था। मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगा। क्या तुम्हें मेरा पुराना स्टाइल पसंद है? तो तुम मुझे पसंद करते हो? हुर्रे! हाँ, मैंने क्या की? मैं तुम्हें पसंद हूँ, मैं तुम्हें पसंद हूँ। मैं तंग आ चुकी हूँ। क्रिस, तुमने वादा किया था कि ये सब दोबारा नहीं होगा। तुम अपने काम से काम रखो। ओह अच्छा, अगर तुम इस प्रॉब्लम से नहीं निपट सकते तो मैं खुद निपट लूंगी। नहीं, उसको एक भी उंगली लगे आई तो बुरा होगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते। तो सही में तुम वैम्पायर हो? मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, उससे दूर रहो, समझी? तुम एक झपकन हो, देखना तुम पछताओगे। तुम मुझे अवॉइड क्यों करते हो? और तुम क्या हो, मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? मुझे चिंता थी कि तुम डर जाओगी। मेरी बहन एरियल तुम्हें चोट पहुंचा सकती है। वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, तुम जो साथ हो। मैं बहुत खुश हूँ जो तुम वैम्पायर हो, मुझे वैम्पायर पसंद है। तो मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार हूँ? हाँ, मुझे महसूस हुआ था और पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था मुझे। मैं भी। रुको, मैं ईवा के लिए एक वीडियो शूट करती हूँ, वो वरना विश्वास नहीं करेगी। ठीक है, शूट करते हैं। हाय ईवा, देखो कौन है। मुझे लगता है वीडियो काम नहीं करेगा। इसीलिए वैम्पायर्स के पोर्ट्रेट्स होते हैं, फोटोज नहीं। रुको, तुम्हारे मम्मी पापा भी वैम्पायर हैं? क्या उन्हें हमारे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हम अभी पता कर लेते हैं, मुझे लगता है कि वो इसे समझेंगे। अब क्या मतलब है? चलो चल के उनसे मिलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। टेंशन नहीं, आओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, चलो चलते हैं। मैं उन्हें कॉल करके बोल देता हूँ, ये सही रहेगा। मेरे बेटे ने क्या वाहियात खबर दी है। हमारा बेटा पूरी तरीके से पागल हो चुका है। हमने उसे उस लड़की से दूर रहने के लिए कहा था और वो उसे हमसे यहाँ मिलाने के लिए लेकर आ रहा है। हनी, ये इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन तब क्या होगा जब वो सबको हमारे बारे में बता देगी, या फिर एरियल ने उसे काट दिया तो? हनी, मुझे लगता है वो अच्छी है और क्रिस सही है। हमने डेट करना शुरू किया था जब तुम इंसान थी, है कि नहीं? शायद तुम सही कह रहे हो। ठीक है, हम उस केसी से मिल ही लेते हैं। आपको पता है मेरे भाई ने क्या किया? वो चुड़ैल को डेट कर रहा है। हाँ बेटी, हमें पता है। उम्मीद है आप उसे सजा देंगे और उस लड़की से दूर करेंगे। नहीं बेटा, हम क्रिस को डेट करने देंगे। वैसे हमें कैसी के लिए डिनर बनाना चाहिए? क्या आप दोनों पागल हो गए हैं क्या? क्या डिनर? कैसी हमारे साथ आज डिनर करेगी, हमें उसका वेलकम करना चाहिए। और तुम इसमें हमारी मदद करोगी? नहीं, मैं इस सब में शामिल नहीं हूँ। तुम्हें ये करना ही होगा। हम आ गए। हेलो। हाय, तुम तो बहुत सुंदर हो। मिलकर अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, मैं सच में बहुत खुश हूँ। कभी सोचा नहीं था कि वैम्पायर के फैमिली से मिल पाऊंगी। सपने सच होते हैं। चलो यहाँ आकर बैठो। वाओ, इतना सारा खाना, मुझे लगा वैम्पायर्स नॉर्मल खाना नहीं खाते। ये हमने खास तुम्हारे लिए बनाया है। बहुत शुक्रिया, पर कैसी घर से खाना खा के आई है? हाँ, मुझे भूख नहीं है, मुझे माफ करना, आपने इतनी मेहनत की और मैं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सलाद बनाने में मुझे एक घंटा लगा। ये बहुत बुरा हुआ, I'm sorry। कोई बात नहीं, एरियल को जल्दी गुस्सा आ जाता है। आओ हम तुम्हें अपना घर दिखाते हैं, क्या बोलते हो? बढ़िया आइडिया है। हाँ मैं तैयार हूँ। आओ हनी। क्या वो अभी चमगादड़ बने? हाँ चलो। तुम्हारा घर कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत है।
ये वाला तो छोटा है। क्या आप लोग हमेशा ऐसे ही आते हैं? क्योंकि हम वैम्पायर हैं। चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी इसकी आदत हो जाएगी। वैसे 15वीं सदी में तो हम एक बहुत बड़े महल में रहते थे, वहाँ का एक कमरा पूरे घर के बराबर था। ओ हाँ, मुझे याद है, मैं अक्सर खो जाता था वहाँ पे। शानदार, महल में रहना कितना शानदार है ना? और वो क्या है, चिट्ठियाँ? आप लोग अभी भी चिट्ठियाँ लिखते हैं? नहीं बेटा, ये चिट्ठियाँ तो हमें एक चुड़ैल ने लिखी थी। इसमें कुछ खास भविष्यवाणियाँ लिखी हैं। और ये सब सच हो जाती है? वाव! तुम चाहो तो एक ले सकती हो। सच में कोई भी चिट्ठी ले सकती हो? अरे तुम जो चाहो। आउच! क्या तुमने खुद को काट लिया? खून! पापा शांत हो जाओ। मैं इन्हें नहीं रोक सकती। एरियल! अब क्या? डैड नहीं! छोड़ दो मुझे! हम इन्हें ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकते। क्रिस, इसे यहाँ से ले जाओ। चलो चले। शांत हो जाओ हनी, शांत शांत हो जाओ। बड़ी मुश्किल से बचे। देखा इस केसी की वजह से क्या हुआ? ये सिर्फ प्रॉब्लम लाएगी। वो मुझे छोड़ देगा, वो सच में छोड़ देगा मुझे। ऐसा नहीं है, उसने कहा था वो तुमसे प्यार करता है। नहीं, उसके घर जो हुआ उसके 2-3 बाद भी उसने मुझे मैसेज नहीं किया। शायद वो बिजी है। नहीं, क्रिस मुझे सच में छोड़ देगा। उसके मम्मी पापा भी हमें डेट नहीं करने देंगे। वैसे तो क्रिस को तुम्हें भी वैम्पायर बनाने के लिए बोल सकती हो। हाँ सही कहा, मैं एक वैम्पायर बन जाऊंगी। पर अगर मैं अमर होकर बोर हो गई तो? लेकिन तुम हमेशा के लिए क्रिस के साथ तो रहोगी। हाँ, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। ये शानदार है, बस अब जल्दी से उससे मिल लो। नहीं हो पाएगा, वो कॉल ही नहीं उठा रहा। वो तो मेरे करीब भी नहीं आएगा। मैं इसमें कैसे तुम्हारी मदद करूं? मैं तंग आ चुकी हूँ, इस क्रिस का कुछ तो करना पड़ेगा। हाय एरियल। बाहर में जाओ। तुम मेरी फेवरेट टेबल पर क्यों बैठ रही हो? माफ करना, मैं खत्म करके चली जाऊंगी। चली जाओ यहाँ से। यहाँ पर चांदी के चम्मच कब से होने लगे? मैं मेरा चम्मच घर से लाती हूँ। तुम्हारी आँच से धुआं क्यों निकल रहा है? तुम्हें क्या मतलब? जा यहाँ से। मैं जा रही हूँ। एक मिनट रुको, मैं भूखी हूँ, क्या मैं तुम्हें खा सकती हूँ? तुम डरा रही हो। ओह नो। हाँ, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। क्रिस वैम्पायर है, वो तुम सबको खाना चाहता है। ये तुम सबको बताओगी। हाँ, क्रिस एक वैम्पायर है। यही तो मुझे चाहिए था। कमर कस लो भाई, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ? यही हम तुमसे पूछना चाहते हैं। अब मैंने क्या किया है? सारा शहर जानता है कि तुम वैम्पायर हो। हमारा राज खुल चुका है, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। क्या? लेकिन ये किसने बताया होगा? तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारी प्यारी केसी ने। मैंने बोला था कि उसे घर पर मत लाओ। नहीं, मैं नहीं मान सकता कि ये कैसी ने किया है। किसने किया फिर? सिर्फ उसको पता है कि तुम वैम्पायर हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ क्रिस, अब हमें भागना होगा जितना जल्दी हो सके उतना। कैसी से बात किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्रिस, क्रिस कहीं भी नहीं मिल रहा, लगता है अब हम कभी नहीं मिलेंगे। क्रिस, आउच, तुमने मेरा हाथ जमा दिया। कैसी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब तो तुम मेरा शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं ना? नहीं, ऐसा मत बोलो, मैं सच में तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो तुम अब तक कहाँ थे और मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे?
मैं बस अपने पापा को समझाने में लगा हुआ था। मुझे माफ कर दो। आई लव यू टू। रुको, तुम्हें कुछ बता रहा है। हम कभी साथ नहीं रह सकते। पर क्यों? तुमने कहा मुझसे प्यार करते हो। अगर ये तुम्हारे पापा की वजह से है, मैं उनसे नहीं डरती सच में। इसकी वजह तुम नहीं हो। किसी ने सारे शहर को बोल दिया कि मैं वैम्पायर हूँ और अब हमें जाना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ और नहीं सोच सकते हम? नहीं कैसी, माफ करना, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। अलविदा। नहीं, क्या मैं बुक पढ़ते हुए फिर से सो गई थी? और ये सब कुछ सपना था? तो वैम्पायर नहीं होते और क्रिस भी नहीं है? क्यों नहीं? क्रिस, क्या ये सच में तुम हो? हाँ मैं ही हूँ, और कौन? पर मैंने सोचा तुम चले गए। शहर को पता चल गया तुम वैम्पायर हो, तुम्हारी फैमिली यहाँ से चली गई। हम कहीं नहीं गए, हमने तो सोचा भी नहीं। तुमने तो फिर ज्यादा ही बुक पढ़ ली। इसका मतलब ये एक सपना था। तो तुम नहीं जा रहे? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा माय लव। है, कितना गोरा चिट्टा है। दिमाग? अबे तुम पागल हो क्या? क्या दिमाग? मैं भूल गया। चिट्ठियाँ? क्या आप लोग अभी भी चिट्ठियाँ भेजते हैं? हम वैम्पायर्स हैं और इंसानों के साथ रिलेशन नहीं बना सकते। क्या बोलती हो तुम इस बारे में? बिल्कुल सही कहा, अब हम साथ में रह सकते हैं। तुम बकवास मत करो, मैं खुद ढूंढ लूंगी कि उसकी असलियत क्या है। वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। क्या उसने मुझे छोड़ दिया?